بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد جناب صدر المملكت اسٹیج پر موجود اور اس اجتماع میں شریک تمام زعماء قوم بالخصوص مختلف ممالک کے یہاں موجود معزز سفراء کرام آج کا دن صرف پاکستان ہی میں نہیں پوری دنیا میں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ پاکستانی من حیث القوم یکجہتی کا دن منا رہے ہیں اور میں اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ آج یکجہتی کا دن نہیں ہے بلکہ کشمیر اور پاکستان جن کی تاریخ ایک ہے روز اول سے لے کر آج اور جب تک آزادی کی منزل نہیں پہنچتی ہر قدم ہر لمحہ ہم ان کے ساتھ یکجہتی کا آج عزم نو کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم آج تجدید عہد کر رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ تحریکیں نشیب و فراز کا شکار ہو سکتی ہیں مد و جزر کا شکار ہو سکتی ہیں لیکن تحریکیں سمندر کی لہروں کی طرح بالآخر ساحل پر پہنچ کے دم لیتی ہیں اور کشمیریوں کی جد و جہد آزادی انشاءاللہ آزادی کے منزل پر پہنچ کر ہی دم لے گی ہمارے جمہوری ماحول میں یہ اچھی روایات ہوتی ہیں جب ہم قومی معاملات میں یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہیں ہمارے اختلاف رائے بھی ہوتے ہیں لیکن جس طرح چین کے ساتھ دوستی ہمارا ایک قومی موقف ہے اور جب چین کے وزیر اعظم تشریف لائے تھے تو وزیر اعظم پاکستان اور صدر مملکت کی دعوت پر حزب اختلاف کی تمام جماعتیں ان کے استقبال اور ان کے خیر مقدم کے لیے اکٹھی ہوئی تھی آج جب کشمیر کا مسئلہ آئے گا تو کشمیر پر پورے پاکستانی قوم کا ایک ہی موقف ہے اور ہم من حیث القوم ایک ہیں اس لیے ہم اختلاف رائے سے بالا تر ہو کر ان تقریبات میں شریک ہو رہے ہیں تاکہ بھرپور طور پر قومی یکجہتی کا مظاہرہ ہو ایک
इसमें कोई शक नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, हमारा ये पूरा खित्ता मुश्किल हालात से गुजर रहा है और इन हालात में पाकिस्तान खास तौर पर बावजूद दबाव का शिकार है। हमने भरपूर कोशिश की कि हम मुल्क को इस दबाव से निकालें, पाकिस्तान किसी के साथ दुश्मनी नहीं चाहता, अमेरिका हो या दूसरी आलमी कुव्वतें, हमें कोई शौक नहीं कि हम उनके साथ दुश्मनी मोल लें, लेकिन जरूर हम उस तरफ एक पेशरफ्त देखना चाहते थे कि आलमी कुव्वतों से अगर हमारा ताल्लुक हो तो हम दबाव की सियासत से निकलकर एक बावकार बराबरी की बुनियाद पर दोस्ती के ताल्लुकात की तरफ जाएं और 18 करोड़ की कौम पाकिस्तान जैसी ताकतवर इस्लामी रियासत आलमी सतह पर उसका इमेज ये बने कि हम किसी के मातहत नहीं हैं बल्कि बावकार अंदाज के साथ हम दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। इस बात को सामने रखते हुए हमने अलावजिल बसीरत महसूस किया कि जिस दबाव के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं, मसले कश्मीर और कश्मीरियों का जो हम पर हक है शायद हम उसका हक अदा न कर सकें। और इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया में कश्मीरियों का, असबाब की दुनिया में वकील हो या उसका पुश्तीबान, सिर्फ पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान मसले कश्मीर की तरफ भरपूर तवज्जो न दे सके, जिस तरह हमारी खारजा पॉलिसी के लिए मसले कश्मीर एक महवर की हैसियत रखता था, इन हालात ने मसले कश्मीर को पस मंजर की तरफ धकेला। जरूरी था इस मामले के लिए कि हम सूरत हाल को सिर्फ कश्मीर के हवाले से ही न देखें, हम पूरी वसत नजर के साथ आलमी सियासत पे भी नजर रखें, खित्ते पे आलमी कुव्वतों के पड़ने वाले असरात और फिर इस सूरत हाल का कश्मीर के मसले पर पड़ने वाले मनफी असरात, इसका हम भरपूर जायजा लें और फिर हम दुनिया को बताएं कि कश्मीर के मसले के हल के बगैर खित्ते का और जनूब एशिया का अमन मुमकिन नहीं। हमने दुनिया को बावर कराना है कि अगर आप इस खित्ते में अमन चाहते हैं तो फिर ये आपको इसका इदराक करना होगा कि इस पूरे खित्ते के अमन का रास्ता कश्मीर से होकर गुजरता है। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता
सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का ताल्लुक नहीं, हम इस खित्ते को भी इस मुश्किल सूरत हाल से नहीं निकाल सकेंगे। इस सारे सूरत हाल को हम इसी अंदाज में देखना चाहते हैं, इसीलिए हम पार्लियामेंट में गए, इसीलिए हमने आवाम के इस नुमाइंदा इदारे को ऑन बोर्ड लिया और वहां से हमने एक मुत्तफ़िका करारदाद ली। जो एक डिक्टेटर के दौर से, जिसने मुल्क को एक दलदल में फंसा दिया था, किस तरह हम उस दलदल से निकल सकते हैं, किस तरह हम एक ऐसे मुस्तकबल की तरफ सफर कर सकते हैं कि हम इस बैनुल अक्वामी दबाव को कम कर सकें, उससे निकलने की तरफ आगे बढ़े और हम अपने मफादात और कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत पर अपनी तमाम तर तवानाइयां मरकूज कर सके। हम मगरबी सरहदात पर अपनी तवानाइयां सर्फ करने की बजाय मशरकी सरहदात की तरफ अपनी तवानाइयां मरकूज करें, जो हमारे मफादात और हमारे मुस्तकबिल का उससे ताल्लुक है, उससे सिर्फ कश्मीरियों के आजादी और उनके हक की खुद इरादियत ही का ताल्लुक नहीं, बल्कि इसके साथ पाकिस्तान की दिफा, पाकिस्तान की ज़राअत, पाकिस्तान की मईशत और इस तमाम तर सूरत हाल का इससे ताल्लुक है, जिसकी बुनियाद पर हम एक पेशरफ्त करना चाहते हैं। हमें डिक्टेटर के फैसलों से, जिसके बारे में पार्लियामेंट वाज़ह तौर पर कहता है कि उसके फैसले उसके मफादात के ताबे थे, हमें मुल्क और कौम के मफादात के लिए इन पॉलिसियों पर नजरसानी करनी होगी। हम इस मकसद के लिए कल भी साथ थे, हम इस मकसद के लिए आज भी ताउन के जज्बे से सरसार हैं, लेकिन वो तो ना हो कि गए थे हम नमाजें बख्शवाने के लिए, गले पड़ गए रोजे, कि तमाम तरफ खैर सगाली के इस जज्बे के साथ हमने एक अच्छा सफर किया, कुछ तो मिला नहीं, बड़ी मुश्किल से नामूसी रिसालत के कानून के तहफ्फुज़ के लिए हमें मैदान में उतरना पड़ा, तो इस तमाम तर सूरत हाल में हमें एक जमहूरी अंदाज के साथ, ताकि एक जमहूरी कल्चर पैदा हो और हम इस मुसल्लह कल्चर से निकलें, हम अपने नजरियात की बात करें, हम अपने हुकूक की बात करें, लेकिन हम पाकिस्तान के आईन और पाकिस्तान के कानून को भी सामने रखें कि हमने उसके दायरे के अंदर रहते हुए सब कुछ करना है। हमने इख्तलाफ करना है, हमने बगावत नहीं करनी, हमने मुल्क के अंदर एक कल्चर को डेवलप करना है और वो एक जमहूरी कल्चर है। हमने अपने सरजमीन पर वो घुटन नहीं पैदा करनी कि जिस घुटन के बाद मिस्र जैसे हालात पैदा हों। हमने यहां एक खुला माहौल पैदा करना, हमारे पास समझने और समझाने का माहौल मौजूद है। शायद ये बातें मैं यहां न कहता, लेकिन हमारे जनाब मियां मंजूर भुट्टो साहब ने थोड़ी सी बात छेड़ दी तो यकजहती की उस सूरत हाल को हमने उजागर करना है और इस बात को हमने मद्देनजर रखना है। मैंने हर जगह तारीफ की है कि एक लंबे तातुल के बाद पहली मर्तबा अक्वामे मुत्तहिदा के फोरम पर, जनरल असेंबली के फोरम पर, हमारा वजीर खारजा कश्मीर के बारे में गैर मुबहम गुफ्तगू कर रहा है। ये एक मुसलसल मेहनत और जद्दोजहद के नतीजे में एक अच्छी पेशरफ सामने आई है। आज यही दिन 5 फरवरी का, और 5 फरवरी का शाम
हम यहां इस्लामाबाद के एक आर्ट काउंसिल में मनाया करते थे। आज हम 5 फरवरी के यह शाम पाकिस्तान की ऐवान सदर में मना रहे हैं और सदर मौजूदगी में मना रहे हैं। हम इस फजा की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। कमेटी की पूरी कोशिश यह है, पार्लियामान की कमेटी की, कि हम अपनी हुकूमत को, अपने एग्जीक्यूटिव को मसले कश्मीर की तरफ दोबारा लौटाएं, उसको मुतवज्जह करें। और जाहिर है कि कमेटी का किरदार उस वक्त तक मुअस्सर नहीं हो सकता जब तक कि हुकूमत उसकी पुश्तपनाही का पूरा हक अदा न करे। तो इस हवाले से एक मसला जो मुख्तलिफ अवकात में मुख्तलिफ फोरम पर सामने आया है कि हिंदुस्तान आखिर क्यों इस हद तक आगे चला गया कि आज वो सलामती काउंसिल के मुस्तकिल मेंबरशिप की बात करता है और अमरीकी सदर हिंदुस्तान की सरजमीन पर खड़े होकर इस ख्वाहिश का इजहार करता है कि हिंदुस्तान को सलामती काउंसिल का मुस्तकिल मेंबर बनाया जाए। सबसे बड़ा सवाल हमारा यही है कि जो हिंदुस्तान 63 साल से सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद के रास्ते में रुकावट है, क्यों कर उसी सलामती काउंसिल का उसको मुस्तकिल मेंबर बनाया जाए। सलामती काउंसिल के करारदादों को और उन पर अमल दरामद का रास्ता रोकना ये जुर्म है। हिंदुस्तान को जुर्म की सजा मिलनी चाहिए जबकि उसको इनाम से नवाजा जा रहा है। इस पर हमें मुअस्सर एहतजाज करना चाहिए था, जबकि कोई ज्यादा मुअस्सर एहतजाज बज़ाहिर हमें नजर नहीं आया। इख्तलाफ राय जरूर हुआ होगा। हमें आलमी बिरादरी से बात करनी है, हमें उनको समझाना है कि ऐसी सूरत हाल खित्ते के तवाज़ुन को मुतासर कर सकती है। और अभी तो हमें कहा जा रहा है कि जी वो मुस्तकिल मेंबर तो हो जाएगा, उसमें भी अभी मराहिल है, मुमकिन है, होता है, नहीं होता, लेकिन ये कि जरूरी नहीं कि उसको वीटो पावर भी हो, बगैर वीटो पावर के मुस्तकिल मेंबर होगा। लेकिन साहब उस तरफ ये एक पेशरफ्त है, और अगर उसे वीटो पावर भी किसी वक्त मिल जाता है फिर तो उसके बाद अक़वामे मुत्तहिदा की करारदादी भी बेमानी हो जाती है। लिहाजा मामले में जितनी ताखीर होती जाएगी वो पाकिस्तान के और कश्मीरियों के हक में मुफीद नहीं है। और फिर ये कि इस हवाले से हमें अपना एक बड़ा वाज़ह मौकफ दुनिया के सामने रखना होगा। हम बाकी लोग तो मैसेज दिया करते हैं, लेकिन हुकूमत की जबान पर लफ्ज़ मैसेज के बजाय मौकफ होना चाहिए कि हमारा स्टैंड यह है, हमारा स्टांस यह है, हमने इसी बुनियाद पर बात करनी है। और यही वजह है कि इंडिया के पास कलीद है, जब चाहता है मुज़ाकरात और जब चाहता है मुज़ाकरात बंद। अब यह कलीद उसके हाथ से छीन लेनी चाहिए। अब हमें वाज़े तौर पर कह देना चाहिए कि मुज़ाकरात होंगे तो इस शर्त पर कि कश्मीर एजेंडे पर होगा। जब तक कश्मीर को एजेंडे पर नहीं लाया जाएगा इंडिया के साथ मुज़ाकरात का क्या फायदा। अगर कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और हम उस पर हिंदुस्तान के हक को तस्लीम नहीं करते तो सियाचिन भी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, हम उस पर क्यों मुज़ाकरात कर रहे हैं। सर क्रीक भी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, हम उस पर क्यों बात कर रहे हैं। इस हवाले से
हमें अपने आप को बिल्कुल वाज़ह करना होगा। और ठीक है, सफारती तकाजे, कुछ मजबूरियां वो अपनी जगह पर होती हैं, लेकिन हमने कश्मीर कमेटी की सतह पर एक तजवीज तय की है। जनाब सदर मुमलकत की मौजूदगी में भी अर्ज कर देना चाहता हूं, जनाब वजीर खारजा भी इस वक्त तशरीफ फरमा है। मैं कुछ साल डेढ़ साल से मुख्तलिफ फोरम पर मुख्तलिफ इज्तिमात अटेंड करता रहा हूं, कश्मीरी क्यादत से मैं बहुत सुनता हूं, और मैंने महसूस किया है कि कश्मीर के अंदर एक मायूसी की फजा पैदा होती जा रही है। पाकिस्तान के हवाले से वहां पर तहफ्फुज़ात उभर रहे हैं, नए नए सवालात उनके दिलो दिमाग में जन्म पा रहे हैं। जरूरी है कि हम इस मामले को समेटें, और हमने एक तजवीज दी है कि हम फौरी तौर पर एक कौमी कॉन्फ्रेंस करें कश्मीर पे, जिसमें पाकिस्तान की सियासी क्यादत, कश्मीर की सियासी क्यादत, मकबूजा कश्मीर की सियासी क्यादत, आजाद कश्मीर की सियासी क्यादत सब यकजा हों, हम उनके तहफ्फुज़ात को बराह रास्त सुने, तमाम पाकिस्तानी सियासी क्यादत से उस पर आरा लें, और एक मुत्तफिका पॉलिसी, मुत्तफिका हिकमत अमली और एक मुत्तफिका सिमत का हम तायुन करें, ताकि इस मायूसी के माहौल से हम निकलें और एक उम्मीद अफजा मुस्तकबिल हम उनको दे दें। कभी हम नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से कश्मीरी वो मायूसी की तरफ जाए, उसको पाकिस्तान के बारे में तहफ्फुज़ात सामने आए और हम रोज ऐसी बातें सुने। नहीं, हम यकजान हैं और यकजान रहना चाहते हैं, और इस हवाले से हम एक ऐसे इज्तिमा की तरफ जाना चाहते हैं जिसमें मुझे यकीन है कि सदर पाकिस्तान भी इसकी हौसला अफजाई करेंगे, वजारत खारजा भी इसकी हौसला अफजाई करेगी, और एक ऐसा नज्म इसमें आना चाहिए ताकि हम जो जो नुकात हमारे दरमियान ऐसे हैं कि जिसपे हम समझते हैं कि वहां पर आरा एक जैसी नहीं है, वहां हमें एक राय कायम करने की तरफ बढ़ना होगा, एक जहत हमें मुतायन करनी होगी, और हम सब नजर आए, चाहे मकबूजा कश्मीर का कश्मीरी है, चाहे आजाद कश्मीर का कश्मीरी है, चाहे गिलगित बल्तिस्तान का कश्मीरी है, चाहे पाकिस्तानी है, हम सब एक रुख पर चलते हुए नजर आए। मैं इस मुस्तकबिल का मुंतजर हूं, और इसमें हुकूमत पाकिस्तान की सरपरस्ती भी चाहता हूं, और ये तवक्को रखता हूं कि इंशाल्लाह जो कौमी यकजहती इस हवाले से है और पाकिस्तान का जो एक कौमी मौकफ है इस हवाले से, उसका हम मजहर नजर आए, उसका हम एक ताबीर नजर आए, और हकीकी ताबीर बनकर हम अपने मुस्तकबिल की तरफ आगे बढ़े। वो आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह।